गर्ल हेमा मालिनी और मनोज कुमार ने एक साथ कई फिल्में की हैं। सन्यासी, दस नंबरी और क्रांति में इस जोड़ी के काम की तारीफ आज भी होती है। क्रांति इस जोड़ी की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी और मनोज कुमार के बीच अनबन हो गई थी। क्रांति के लिए जब मनोज कुमार ने हेमा मालिनी को साइन किया तो उन्हें यकीन था कि हेमा की तरफ से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हेमा शूटिंग पर अपनी मनमर्जी चलाने लगी। सेट पर लेट आना और जल्दी चले जाना आम बात हो गई। दरअसल उसी दौरान हेमा मालिनी कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान की शूटिंग भी कर रही थी और उन्हें लगता था कि रजिया सुल्तान क्रांति से ज्यादा बड़ी हिट होगी। आमतौर पर शांत रहने वाले मनोज कुमार हेमा मालिनी की इस हरकत से नाराज चल रहे थे। इसी बीच एक दिन फिर हेमा सेट पर लेट पहुंची। मनोज कुमार उन्हें कुछ कह पाते इससे पहले हेमा मालिनी ने उनसे कहा कि मेरा शॉट जल्दी कंप्लीट कीजिए, मुझे निकलना है। मनोज कुमार कुछ पल चुप रहे, फिर उन्हें 2 मिनट रुकने के लिए कहकर वहां से चले गए। 2 मिनट से 10 मिनट और फिर 1 घंटा हो गया। हेमा मालिनी इंतजार करती रही लेकिन मनोज कुमार नहीं आए। शाम को 6 बजे मनोज कुमार आए और बोले, अब तुम घर जा सकती हो। उधर जब कमाल अमरोही को इस बात का पता चला तो उन्होंने मनोज कुमार को फोन करके इस बर्ताव की वजह जानना चाही। तब मनोज कुमार ने कहा कि जब हेमा ने क्रांति की शूटिंग के लिए हमें डेट्स दे रखी हैं, तो फिर उन्हीं डेट्स में वो दूसरी फिल्म की शूटिंग कैसे कर सकती हैं? मनोज कुमार के सवालों का ना तो हेमा मालिनी के पास जवाब था और ना ही कमाल अमरोही के पास।